भाई जान टाइट सरप्राइज दे दिया तू बने यहाँ पर। Assalamualaikum everyone, welcome to my new vlog. This is Mituba Nabeel और भाई नबील भी यहीं पर ही हैं। नबील को अभी हमने कुछ बताया नहीं है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। नबील को रेडी कर लिया कि भाई चलना है, तो नबील को रेडी वगैरह कर चुकी हूँ मैं और अब जो है मैं नबील को लेके जाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि जो है नबील को कैसा लगेगा सरप्राइज। तो नबील रेडी हो चलने के लिए? हाँ चलो चलो। एक्साइटमेंट है आपको? हाँ भाई पता नहीं तुमने क्या पहले गैस करो, गैस करो मैंने क्या करा होगा, क्या सरप्राइज होगा आपके लिए। मैं असल में क्या गैस करूँ, किसी रेस्टोरेंट जा रहे होंगे शायद। रेस्टोरेंट तो हाँ रेस्टोरेंट तो जा ही रहे हैं ना, इसी बात है। लेकिन रेस्टोरेंट में क्या सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें यार? मुझे थोड़ा सा आइडिया, मतलब केक कटिंग वगैरह हो जाएगी और क्या होगा। वेरी गुड बेटा, करो ना। कहाँ जा रहे हैं, क्या हो सकता है सरप्राइज, थोड़ा सा बताओ तो मुझे। मैंने आपके लिए ऐसा क्या करा होगा जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको स्काई डाइव कराने वाली हूँ? वो तो मैं दुबई में करूंगा जाके। चल झूठा यार, मेरे ख्याल में तो मतलब डिनर विनर हो सकता है रेस्टोरेंट के अंदर, ये सब कुछ होगा ना, और क्या हो सकता है। तो भाई देखते हैं, नबील को थोड़ा सस्पेंस में ही रखते हैं और जब वहाँ लेकर जाएंगे उसके बाद नबील को सारा सरप्राइज देंगे और बताएंगे, ठीक है। अब आपको मैं वहाँ जाके कंटिन्यू करूंगी, रास्ते में इतना टाइम नहीं होगा, हम लेट हो रहे हैं, हम जल्दी जल्दी जाएंगे और फिर वहाँ जाके मैं आपको कंटिन्यू करूंगी, पूरा व्लॉग हम वहाँ जाके लेंगे। ये खूबसूरत बच्चा, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। खूबसूरत वाला बीबी। चलो भाई चलो चलो, देर हो रही है, चलो भाई। शालू सैन भी रेडी हो चुके हैं, खूबसूरत लग रहे हैं शालू सैन भी। शालू सैन आर यू एक्साइटेड? क्या हो सकता है सरप्राइज? बाबा के लिए हमने खुद गिफ्ट बनाए थे क्या? ओह बाबा के लिए गिफ्ट बनाया भाई शालू सैन ने। बाबा को देते, ओह माय गॉड, बाबा आपके लिए गिफ्ट है बस। हाँ ना ये रहा, इसके अंदर ग्लासेस नहीं, दो ना बाबा को यार, दे दो बर्थडे पे यार। अच्छा सब बाय कर दे, बाय 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 कर दे सब, बाय। चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, भाई जल्दी चलते हैं और फिर वहां जाके आपको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अभी हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, बहुत ही कोई ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और नबील को तो सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। अभी आधा सरप्राइज़ रहता है क्योंकि लोग अभी आएंगे, जिनको मैंने इनवाइट करा हुआ है वो लोग सब अभी आएंगे, अभी आएगा कोई भी नहीं है यहाँ पर, अभी सिर्फ नबील और मैं पहुँचे हैं। जब नबील देखेंगे सबको तो नबील को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा तो गला ख़राब हो गया है सुबह से जाग जाग के। तो यह है कि जब सब आ जाएंगे तो नबील सबको देखेंगे तो नबील को बहुत अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है रेस्टोरेंट कितना अच्छा है और नबील को कैसा लगा सरप्राइज। नबील कैसा लगा सरप्राइज? बहुत टाइट है यार, इतना सारा तुमने अरेंजमेंट कर लिया और अकेले ही कर लिया, बहुत बड़ी बात है यार। ये देखो भाई नबील साथ में खड़े हो ना बलून्स के, ये आपकी थ्री में ब्लू ब्लू जल्दी से आओ। अच्छा तुमने बलून भी मैचिंग की है, ये देखो शर्ट भी मैचिंग, मेरी शर्ट हर चीज मैचिंग है, सब कुछ मैचिंग है। ये देखिए बुकेट भी दिखाती हूं, बुकेट भी मैचिंग है। हां बुके में जो फ्लावर्स है वो भी मैचिंग है, ये मेरी तरफ से। वेरी गुड यार, थैंक्स। अच्छा फ्लावर्स देखो, फ्लावर्स भी आपने मैचिंग लिए पूरे। हां सब कुछ मैचिंग कर रहा है। एक और चीज है जो आने वाली है, बहुत बहुत टाइट स्मेल कर रहे हैं। एक और चीज है जो आने वाली वो भी मैचिंग है, बहुत टाइट स्मेल। अच्छा भाई ये भी नबील के गिफ्ट्स रखे हुए हैं, ये रही नबील की बास्केट फुल भरी हुई चीजों से, ये पूरी बास्केट और नबील की तो ऐश होने वाले हैं, नबील को फुल मजा आने वाला है इसको खा के। नबील के गिफ्ट्स हैं, अभी नबील के लिए एक और सरप्राइज है जो कि नबील देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई कितने सरप्राइज होगी तो यार। नबील डिड यू गेस इट? भाई मैं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा खर्चा तुम वैसे ही कर चुकी हो और पता नहीं क्या बम बम गिरे गई। ओवर एक्टिंग करता है साला। मैं आपको रेस्टोरेंट का सर्वे कराता हूं, रेस्टोरेंट का जबरदस्त है, आप लोग देखेंगे। ये देखिए मैं ओवरऑल आपको जो है इसका वो देती हूं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमें जो है जगह मिल गई है स्पेस वाइज। वो देखें भाई बाबा झूला झुलाते हुए एल्सा को झूला झुला रहे हैं, एल्सा को हम करीब से लेते हैं थोड़ा। एल्सा भाई ये देखें जो मैंने आपको नहीं दिखाया था ना वो देखना आप, केक आ चुका है, नबील का केक दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त केक है, ये देखें ये देखें, ये मैंने बनवाया है अपने हस्बैंड के लिए, केक बनवाया है नबील।
जल्दी से बताएं कैसा लगा आपको सब कुछ। नबील कैसा लगा आपको सब कुछ, केक कैसा यार, लगा? औसम है ये केक, मतलब बहुत ज्यादा औसम है, बहुत मजे का केक लग रहा है। और मतलब डेकोरेशन तो तुमने अंत कर दी ना इसके अंदर। ये आइडिया कहाँ से आया था वैसे? आइडिया तो तुम बता, आइडिया तुम लगा। बहुत टाइट, मतलब बहुत डिफरेंट आइडिया ये, इस तरह का आइडिया मैंने, मतलब मैं सोच ही सकता था तुमने ये सब कुछ तुमने किया होगा। बहुत औसम लग रहा। केक का आइडिया था नहीं। मुझे नॉर्मल आइडिया था लेकिन इतना इतना औसम होगा ये नहीं पता था मुझे। अच्छा भाई, नबील तो बहुत ज्यादा खुश है, हमारे आधे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और अभी आधे रहते हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम मेन्यू देखेंगे और ऑर्डर करेंगे। अभी तो पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह। कितना केक पे खर्चा कितना हो गया? ये क्या 20-30 हज़ार रुपए खर्च कर दिए केक के ऊपर तुमने? 20-30 हज़ार का केक है लग रहा है मुझे तो। ये जिस तरह की डेकोरेशन हुई है, जिस तरह केक बना बन के प्रेजेंट किया उन्होंने, तो मतलब महंगा ही लग रहा है यार। देख लो मैं आपके लिए कितना करती हूँ। तुमने तो अपनी सारी पॉकेट मनी उड़ा दी होगी इसके ऊपर। सारी पॉकेट मनी उड़ा दी तुमने तो अपनी सारी पॉकेट मनी। अब आप ये देखो, आप बोलते हैं ना आपके लिए कुछ करती नहीं, आप देखो मैंने कितना करा है, आप बताओ। तो मतलब थोड़ा अलगाज रख लेती सह लेंगे थोड़ा सा। भी एक काम करती तुम 20,000 मुझे कैश देती। तो ये आप जो ना आराम से पूरे एक महीने तक बैठ के खाइएगा। उस्तान वेयर्स विशाल, वेयर्स विशाल को बुलाएं। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, अभी तो इतने सारे मेहमान रह गए हैं आने के लिए। और नबील को देखे, नबील ना बच्चों का शूट करने में लगे हैं। मैंने नबील की जिम्मेदारी लगाई कि नबील मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप शूट वूट करें, बच्चों की पिक्चर्स वगैरह अब आपने देखे। नबील जो है इल्सा के साथ में लगे पड़े। भाई जान, टाइट सरप्राइज दे दिया तू बने यहाँ पर, और इतना जो है सबको इनवाइट करके इसने बैठी दी, सब मेरे घर वालों को, सबको, भाइयों को और अबू वगैरह को, सबको इसने बुला लिया। तो इसने तो मतलब बहुत खर्चा कर दिया है, और सबको सुबह की बहने वहने सब हैं, मतलब पूरा पूरा कुनबा इसने बुला लिया, सारे रिलेटिव बुला लिए। देखो आप लोग पूरा रश लगा हुए, देखो चेक करो। और ये बैठी है यहाँ पर, थकन के मारे बुरी हालत हो रही है सुबह की, सर में दर्द हो रहा है। सुबह से लगी है, सुबह से इतना जल्दी उठ के बैठ गई। भाई इतना जल्दी सुबह उठ के बैठने की जरूरत नहीं थी कोई, सुबह सुबह उठ के बैठ गई तो आज हालत इसकी हो गई है टाइट। क्यों भाई? बहुत ज्यादा बस हवा निकल गई। बहुत ज्यादा थकन हो रही है, मुझे टायर्ड हो रही है और हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि निम्रा का इंतजार करते करते ना पक गई हूं मैं। निम्रा तो हर जगह कराती है हमें इंतजार, ये सबको पता है, निम्रा लेट करती है हर जगह, और आज आज चलो उसने हमेशा की तरह लेट कर दिया, तो सबकी हालत बुरी हो रही है भूख के मारे। इल्सा को आ रही है नीनू, इल्सा को नीनू आ रही है भाई, इल्सा को नीनू। चलो भाई नबील तो खुद ही लगा रहे हैं, अपने अपनी बर्थडे को खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइटर का लाइटर है। चलो भाई नबील की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर केक काटते हैं, आपको भी दिखाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट भाई। तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे केक को खराब करते हुए मेरा दिल अजीब सा। बर्थडे तो हो चुकी है और अब हम जल्दी से डिनर करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। केक बहुत टाइट बना हुआ है, केक का टेस्ट भी बहुत टाइट है। अच्छा A1। अब एक साल तक रख के खाना। निम्रा मुदस्सिर भी आ चुके हैं फाइनली। मटन कढ़ाई और ये प्रॉन्स कढ़ाई, और इसमें क्या है, इसमें ये प्रॉन्स कढ़ाई है और ये कौन सी है, ये चिकन है। हांडी जबरदस्त, ये हांडी दिखाओ भाई। हांडी दिखा देती हूँ मम्मी आने के। जबरदस्त। और वो सामने आगे आगे वो सब वही है, सारी कढ़ाई उड़ाई। और ये क्या खाने के लिए शुरू हो जाए, फिर शुरू हो जाए फिर। हाँ भैया आप बताएं, आपको शुरू होना है अभी होना। अबे भाई पेट में चूहे दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, उनकी टांगे टूट चुकी हैं।
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल खाना खा ले। चबे डिनर तो हम लोग कर चुके हैं, डिनर वगैरह करके फारिग हो चुके हैं। नबी कैसा था डिनर? डिनर बहुत जबरदस्त था यार, प्रॉन कढ़ाई तो हो खतरनाक थी। प्रॉन कढ़ाई और जो वाइट वाली जो हमारी हांडी थी, वाइट चिकन हांडी ना, रेशमी वाइट हांडी, ऑसम थी यार। मतलब मजा ही आ गया ना कुलचों के साथ, जो हमने इसको रोगनी नान के साथ, रोगनी नान जो होते हैं छोटे छोटे से, उसके साथ जो हमने खाया उसको A1 था। अब हम क्या वेट कर रहे हैं? बस अभी हम वेट कर रहे हैं, जो केक आ जाए, केक सर्व होगा, केक सर्व होने के बाद केक खाएंगे, केक खा के बस फौरन निकलने वाली करेंगे यहाँ से। चल 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 चल। अच्छा भाई, बर्थडे वगैरह तो ये है कि फिनिश हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और मुझे तो इतनी ज़्यादा थकन हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे थकन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऊपर से मुझे लग रहा है कि मेरा गला भी ख़राब हो गया जागने से ना, मैं सुबह से जाग रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तो गला ही बैठ गया। नबील को देखो, नबील मुस्कुरा रहे हैं, नबील के फुल मज़े हो गए, नबील की इतनी लग्जरी बर्थडे हो गई, नबील के तो फुल मज़े है नबील। हाँ भाई बहुत, लेकिन थकन भी तो हो गई है बहुत ज्यादा, तुम्हें तो खास तौर पर बहुत थकन हो गई है। नबील से मैं अपनी खिदमत कराऊंगी, नबील को बोलूंगी, नबील से मैं इसलिए खिदमत कराऊंगी, मैंने इनको इतना बड़ा सरप्राइज दिया ना, अब ये बैठ के मेरी खिदमत करेंगे। बहुत महंगा सरप्राइज है। इतना ज्यादा महंगा, लेकिन ये कि मजा बहुत आया भाई आज, बहुत हम लोगों ने आज इंजॉयमेंट किया और इतना ज्यादा हमने बाहर टाइम स्पेंड किया आज, और खाना भी बहुत मजे का था। सबसे मेन चीज, सब लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड करा, सारे मतलब पूरी सारी फैमिली एक साथ गई हुई थी, सब लोग एक साथ बैठे खाना खाया, लेकिन बस सबका वेट करते करते ना हम थक गए बहुत ज्यादा भाई। वेट करने के चक्कर में तो इंसान पूरा हो जाता है। वेटिंग जो ना इंसान को मार देती है। जबकि मैंने सबको इतनी जल्दी का टाइम दिया था, उसके बावजूद सब इतना लेट आए। ये बात है, ये बात है। चलो अब घर जाते हैं, बस घर जाके जो है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग मैं लूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो स्टे ट्यून, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो जल्दी से जाएं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जल्दी से जाएं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय।